ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र या फूड प्रोसेसिंग। तो खाद्य प्रसंस्करण में क्या है, देश की जो अर्थव्यवस्था है हमारे भारत की, उसका बुनियादी जो है खेती या किसानी है। और खेती और किसानों की हालत साल दर साल खराब होती जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उम्मीद की एक किरण है। इससे क्या है, किसानों की हालत सुधरने की एक एक्सपेक्टेशन है और इसके द्वारा किसानों की जो हालत है उसको सुधारा जा सकता है फूड प्रोसेसिंग के द्वारा। त्रिपुरा में 17 मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। सरकार जल्द ही असंगठित क्षेत्र में के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए ग्राम समृद्धि योजना लाने की तैयारी में है। आंध्र प्रदेश में देश के पहले एक्वा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। एक्वा फूड पार्क यानी जो पानी में मछलियां और इन सब का जो है वो, आंध्र प्रदेश में देश का पहला फूड पार्क एक्वा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। और ये क्या है, खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, तो ये समझेंगे हम। कृषि उत्पादों विशेष करके वे उत्पाद जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे सब्जी हो गए, टमाटर हो गए, ये सब जो जल्दी खराब होने वाले हैं, आलू हो गए, तो उन्हें पीस कर पका कर या अन्य किसी विधि से ऐसे पदार्थ के रूप में बदला जाता है जिससे कि उनका लंबे समय तक इस्तेमाल हो सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ऐसी औद्योगिक गतिविधियां हैं जिसमें कच्चे यानी प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। जैसे मूल्यवर्धन दूध के डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दूध के द्वारा विभिन्न क्रीम, आइसक्रीम और बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। ये एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। जैसे टोमेटो का टोमेटो सूप का निर्माण किया जाता है, तो हम देख सकते हैं आजकल आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लहसुन के भी मसाला आने लग गया है पैकिंग। तो ये क्या प्रोसेस्ड फूड के रूप में आने लगे। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फल, सब्जियां, मसाले, मांस और पोल्ट्री, दूध और दुग्ध उत्पाद, शराब, मत्स्य उद्योग आदि है। भारत में क्या है, इसके फल, सब्जियां, मसाले हो गए, मांस हो गए, मीट का जो पैकिंग, पोल्ट्री, दूध और दुग्ध उत्पाद, शराब, मत्स्य उद्योग आदि। कृषि उत्पादों के मामले में हमारे देश में भरपूर विविधता है। हमारे देश में विभिन्न प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनका उत्पादन एक विविधता से होता है। जैसे केरला में मसालों का विशाल रूप से प्रोडक्शन होता है और हर चीज का प्रोडक्शन, जैसे कि J&K में एप्पल का, तो इस तरह हम देख सकते हैं। प्रसंस्करण के बाद ये उत्पाद स्थानीय किसानों की आमदनी बढ़ाने में अहम होंगे। इससे क्या होगा कि इनकी आमदनी बढ़ जाती है। जैसे प्रोसेस्ड फूड की कीमत भी ज्यादा होती है, तो इसे किसानों को, अगर डायरेक्ट किसानों से कोई कंपनी खरीदेगी और प्रोसेसिंग करेगी या वहां पे प्रोसेसिंग फैक्ट्री स्थापित करेगी, तो उससे किसानों को फायदा होगा और उनको जो अच्छी कीमत मिलने की संभावना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक उभरता हुआ क्षेत्र है। कृषि उत्पादों को के प्रसंस्करण को या प्रोसेसिंग को, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना इसलिए जरूरी है क्योंकि कृषि उपज का एक बड़ा हिस्सा मंडियों के पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि टमाटर या जो भी गोभी, ये सब सब्जियां हैं, बहुत ही जल्दी खराब होने की संभावना रहती है, तो इस मंडी पहुंचने से पहले ही कई बार खराब हो जाती है। तो इसलिए प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की वृद्धि जरूरी है। भारत खाद्य उत्पादों, खाद्य पदार्थों को बर्बाद करने के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों की जमात में। हमारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खराब होते हैं। भूखमरी और कुपोषण के मामले में भी गंभीर स्थिति में है। भूखमरी और कुपोषण भी काफी बड़ी मात्रा में है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के लिए कृषि क्षेत्र के साथ साथ प्रसंस्करण भी बेहद महत्वपूर्ण है। केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने से नहीं होगा, उनको फूड स्टोरेज की कैपेसिटी और आदि प्रोसेसिंग की फैक्ट्री स्थापित करना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपना फूड का बचाव हो सके। यह क्षेत्र ग्रामीण आजीविका के अवसर और रोजगारों के में असरदार ढंग से सुधार लाकर गांव और शहर के बीच की खाई पाट सकता है। ये जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है वो गांव में स्थापित करके खेतों के नजदीक, इससे क्या होगा, जो लोग है उनको गांव में भी रोजगार मिल सकता है और गांव और जो शहरों के बीच एक बहुत ही बड़ा गैप हो चुका है उसको भी हम डिफरेंस को मिटा सकते हैं। नेक्स्ट क्या संभावना है, भारत में लोगों की तेजी से बदलती जीवन शैली से लोगों के खान पान में बदलाव। हम आजकल भारत का नगरीकरण बहुत ही फास्ट हो रहा है, औद्योगिकरण और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आदि से काफी जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है और वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। भारत में प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री का कारोबार लगातार तेजी से बढ़ रहा है। यह रोजगार पैदा करने वाला संभावनाशील क्षेत्र है। फसल कटाई के बाद सुविधाएं, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज चेन और विनिर्माण से लेकर बाजार
तक पहुंचने की आपूर्ति श्रृंखला में विकास और सुधार की असीम संभावना है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है, रोड लॉजिस्टिक्स और जो लॉजिस्टिक चैन है वो काफ़ी कमज़ोर है, इसके अंदर काफ़ी संभावनाएं हैं, तो ये हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं। सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, 42 फूड पार्क्स को मंजूरी, जिसमें से 17 फूड पार्क इस्टेब्लिश हो चुका है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड और राष्ट्रीय शीत श्रृंखला ग्रिड का स्थापना की गई। कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा रहा जगह जगह और खाद्य ग्रिड का भी निर्माण। देश भर में खुदरा बाजार तैयार किए जा रहे हैं, किए जाने की कोशिश। ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई। खाद्य प्रसंस्करण में सरकार के प्रयास और उनमें क्या चुनौतियां हैं, सरकार के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, तो हमारा जो इंफ्रा है वो काफ़ी कमज़ोर है। ज़रूरी बुनियादी अवसंरचना की कमी, जैसे कोल्ड स्टोरेज और ये इन सब की कमी है, रोड और ट्रांसपोर्टेशन इन सब की कमी है। खाद्य प्रसंस्करण इनमें काफ़ी संभावनाएं हैं, मतलब हम डेवलप कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्रीय कानूनों और राज्य स्तरीय कानूनों अलग अलग कानूनों के हिसाब से चल रहा है, जिससे कभी कभी भ्रम की स्थिति होती है। ये जो फूड प्रोसेसिंग उद्योग है वो दो अलग अलग कानूनों द्वारा कंट्रोल होता है। फूड प्रोसेसिंग का ग्लोबल हब बनने की राह में भारत के सामने कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं। हमारे कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां भी है, राष्ट्रों के साथ संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरने वाले उत्पादों को वरीयता देनी होगी। एकीकृत मॉडल बनाने हेतु छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ने की जरूरत, जो हमारे छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज है या जो भी छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाई है उनको प्रोत्साहन देके उनको बड़े एकीकृत मॉडल से जोड़ने की जरूरत है। तो ये थी हमारे समक्ष चुनौतियाँ, इस तरह हमने बात किया था क्या होता है फूड प्रोसेसिंग क्या है और इसकी क्या संभावनाएं हैं और इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, करंट का टॉपिक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।